उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का सिलसिला थमा नहीं था कि अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो सभी को हैरत में डाल सकता है। उत्तराखंड के तीन युवक और उत्तराखंड की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के दो युवकों को दुबई में बंधक बनाने का मामला सामने आया है, जो अब विदेश में फंसे लोगों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में युवक धामी सरकार से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। अब युवकों के परिजनों ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से मदद की गुहार लगाई है। परेशानी बता, अपना नाम बता। मोहम्मद दिलशाद मेरा नाम है और अंगतपुर का रहने वाला हूँ, रायपुरी बॉर्डर का मैं। और जो है हमें जो है बुलाया गया था और बहुत परेशानी है हमें, और घर नहीं भेजा जा रहा है हमें बिल्कुल भी। ना हमारी सुनवाई हो रही है, ना हमारा पासपोर्ट दिया जा रहा है, ना कैंसिल हो रही है। और जो है हमें नुकाया जा रहा है, 7,000 ड्रम दो जब घर जाया जाए। और बहुत परेशानी, हम बहुत परेशानी में, ना खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है। किसी तरह हमारी स्टाइल होनी वाली हो जानी चाहिए, हमें घर जाना है हर हाल। रफी अंगतपुर, ये परविंदर नाम है लड़के का, धामपुर के पास का रहने वाला। ओसिम दो दो महीने में को, अभी पाँच तारीख में गया, 2 महीने में कम है। ये जो है कंडीशन ये है, उन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा है, ना ही जो पैसे 2 महीने काम करा वो भी नहीं मिल रहा। बंधक बना रखा जी, उसने पासपोर्ट भी ले रखा, जब्त कर रखा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारी सरकार हमारे लड़कों को हमारे घर पहुंचवा दे। मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली है कि हमारे ज़िले के 4 से 5 युवक दुबई में फंसे हुए हैं। और सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे सभी युवकों से, युवतियों से निवेदन करूंगा जो विदेश जाने की चाह रखते हैं, लेकिन वो किसी भी नाजायज़ तरीके से विदेश ना जाएं, पहले पूरी जानकारी विदेश भेजने वाले एजेंट के माध्यम से या सरकारी तौर तरीक़ों से पूरी जानकारी लेकर ही विदेश जाएं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।